जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। यह प्रसंग भक्तमाल से लिया गया है। भक्त श्री विल मंगल जी के जीवन की एक घटना। विल मंगल जी प्रसिद्ध दक्षिणात्य ब्राह्मण तथा भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त व कवि थे। इनके जीवन की एक घटना आती है। ये श्री कृष्ण के वियोग की दारुण व्यथा से अपनी फूटी आँखों से 24 घंटे आंसुओं की झड़ी लगा रखी थी। न इन्हें भूख का पता है, न प्यास का, न सोने का ज्ञान है, न जगने का। कृष्ण कृष्ण की पुकार से दिशाओं को गुंजराता हुआ विल मंगल जंगल जंगल और गांव गांव में घूम रहा है। जिस दीन बंधु के लिए जानबूझकर इन्होंने अपनी आंखें फोड़ी, जिस प्रियतम को पाने के लिए ऐश आराम पर लात मारी, जिस प्रियतम को पाने के लिए ऐश और आराम पर लात मारी, वह मिलने में इतना विलंब करे, यह भला किससे सहन हो। पर जो सच्चे प्रेमी होते हैं ना, वे प्रेमास्पद श्री कृष्ण के विरह में जीवन भर रोया करते हैं, सहस्त्रों आपत्तियों को सहन करते हैं, परंतु भगवान पर दोषारोपण कदापि नहीं करते। उनको अपने प्रेमास्पद में कभी कोई दोष दिखता ही नहीं। ऐसे प्रेमी के लिए प्रेमास्पद को भी कभी चैन नहीं पड़ता, उसे दौड़कर आना ही पड़ता है। आज अंधे विल मंगल श्री कृष्ण प्रेम में मतवाले होकर जहाँ तहाँ भटक रहे हैं, कहीं गिर पड़ते हैं, कहीं टकरा जाते हैं, अन्न जल का तो कोई ठिकाना ही नहीं। ऐसी दशा में प्रेम में श्री कृष्ण कैसे निश्चिंत रह सकते हैं। एक छोटे से गोप बालक के वेश में भगवान श्री कृष्ण बिल्व मंगल के पास आकर अपनी मुनि मन मोहिनी मधुर वाणी से बोले, सूरदास जी, आपको बड़ी भूख लगी होगी, मैं कुछ मिठाई लाया हूँ, जल भी लाया हूँ, आप इसे ग्रहण कीजिए। बिल्व मंगल के प्राण तो बालक के उस मधुर स्वर से ही मोहित हो चुके थे। उसके हाथ का दुर्लभ प्रसाद पाकर तो उसका हृदय हर्ष के हिलोरे से उछल उठा। बिल्व मंगल ने बालक से पूछा, भैया तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या किया करते हो। बालक ने कहा, मेरा घर पास ही है, मेरा कोई खास नाम नहीं, जो मुझे जिस नाम से पुकारता है मैं उसी से बोलता हूँ, गायें चराता हूँ, मुझसे जो प्रेम करते हैं मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ। बिल्व मंगल बालक की वीणा विनादित वाणी सुनकर मुग्ध हो गया। बालक जाते जाते कह गया कि मैं रोज आकर आपको भोजन करवा जाया करूँगा। विल्व मंगल ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, तुम रोज आया करो। बालक चला गया और विल्व मंगल का मन भी साथ ले गया। मनचोर तो उनका नाम पहले से ही है। अनेक प्रकार की सामग्रियों से भोग लगाकर भी लोग जिनकी कृपा के लिए तरसा करते हैं, वही कृपा सिंधु रोज बिल्व मंगल को अपने कर कमलों से भोजन करवाने आते हैं। धन्य है भक्त के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते। बिल्व मंगल अब तक यह तो नहीं समझा कि मैंने जिसके लिए फकीरी का बाना लिया और आँखों में कांटे चुभाए वह बालक यही है। परंतु उस गोप बालक ने उसके हृदय पर इतना अधिकार अवश्य जमा लिया कि उसको दूसरी बात का सुनना भी असहाय हो उठा। एक दिन विल्व मंगल मन ही मन विचार करने लगा कि सारी आफतें छोड़कर यहाँ तक आया, यहाँ यह नई आफत आ गई, स्त्री के मोह से छूटा तो इस बालक ने मोह में घेर लिया। यूँ सोच ही रहा था वह रसिक बालक उसके पास आकर बैठा और अपनी दीवाना बना देने वाली वाणी से बोला,
बाबा जी चुपचाप क्या सोचते हो, वृंदावन चलोगे? वृंदावन का नाम सुनते ही बिल्व मंगल का हृदय हरा हो गया, परंतु अपनी असमर्थता प्रकट करता हुआ बोला, भैया मैं अंधा वृंदावन कैसे जाऊं? बालक ने कहा, यह लो मेरी लाठी, मैं इसे पकड़े पकड़े तुम्हारे साथ चलता हूं। बिल्व मंगल का मुख खिल उठा, लाठी पकड़कर भगवान भक्त के आगे आगे चलने लगे। धन्य है दयालुता, भक्त की लाठी पकड़कर मार्ग दिखलाते हैं, भक्त की लाठी पकड़कर मार्ग दिखाते हैं। थोड़ी सी दूर जाकर बालक ने कहा, लो वृंदावन आ गया, अब मैं जाता हूँ। बिल्व मंगल ने बालक का हाथ पकड़ लिया, हाथ का स्पर्श होते ही सारे शरीर में बिजली सी दौड़ गई, सात्विक प्रकाश से सारे द्वार प्रकाशित हो उठे। बिल्व मंगल ने दिव्य दृष्टि पाई और उसने देखा कि बालक के रूप में साक्षात मेरे श्याम सुंदर ही हैं। बिल्व मंगल का शरीर रोमांचित हो गया, आँखों से प्रेमाश्रुओं की अनवरत धारा बहने लगी। भगवान का हाथ उसने और भी जोर से पकड़ लिया और कहा, अब पहचान लिया, बहुत दिनों के बाद पकड़ सका हूँ प्रभु, अब नहीं छोड़ने का। भगवान ने कहा, छोड़ते हो कि नहीं? बिल्व मंगल ने कहा, नहीं, कभी नहीं, त्रिकाल में भी नहीं। भगवान ने जोर से झटका देकर हाथ छुड़ा लिया। भला जिनके बल से बलान्वित होकर माया ने सारे जगत को पद दलित कर रखा है, उसके बल के सामने बेचारा अंधा क्या कर सकता था? परंतु उसने एक ऐसी रज्जू से उनको बांध लिया था कि जिससे छूटकर जाना उनके लिए बड़ी टेढ़ी खीर थी। हाथ छुड़ाते ही बिल्व मंगल ने कहा, जाते हो पर याद रखना कि बाँह छुड़ाए जात हो, निबल जान के मोए, हृदय ते जब जाओगे सबल बधूंगो तोहे। हाथ छुड़ाए जात हो, निबल जान के मोहे, हृदय ते तब जाओगे, जब जाओगे सबल बंधूंगो तोहे। भगवान नहीं जा सके, जाते भी कैसे? प्रतिज्ञा कर चुके हैं ना गीता जी में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथे भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। भगवान ने बिल्व मंगल की आँखों पर अपना कोमल कर कमल फिराया, उसकी आँखें खुल गई। नेत्रों से प्रत्यक्ष भगवान को देखकर, उनकी भुवन मोहिनी अनूप रूप राशि के दर्शन पाकर बिल्व मंगल अपने आप को संभाल नहीं सका। वह चरणों में गिर पड़ा और प्रेमाश्रुओं से प्रभु के पावन चरण कमलों को धोने लगा। भगवान ने उठाकर उसे छाती से लगा लिया। भक्त और भगवान के मधुर मिलन से समस्त जगत में मधुरता छा गई। देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, संत भक्तों के दल नाचने लगे, हरि नाम की पवित्र ध्वनि से आकाश परिपूर्ण हो गया। भक्त और भगवान दोनों धन्य हुए। जय श्री राधे, जय श्री राधे।